काफी रुको। राधा अक्रूर जी आप? प्रणाम अक्रूर जी, आप यहां कैसे? राधा मैं कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। ले जाने आए अर्थात? अर्थात ये कि महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ का संकल्प लिया है, जिसके लिए उन्होंने कृष्ण को निमंत्रण भेजा है। महाराज कंस ने कृष्ण को निमंत्रण भेजा है, क्यों? राधा बहुत से ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं तुम्हें बताऊं या नहीं मुझे नहीं पता, किंतु हां ये सत्य है कि मैं तुम्हारे प्रेम कृष्ण को अपने साथ ले जा रहा हूं, और इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। किंतु अक्रूर जी, क्या नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण को आपके साथ भेजने के लिए मान जाएंगे? कदाचित सत्य जानकर ये कृष्ण उनका पुत्र नहीं है वो उसे मेरे साथ जाने की अनुमति दे देंगे। यदि ये बात तुम्हारे अतिरिक्त किसी और से उन्हें पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होगा राधे। यदि अक्रूर जी ने उन्हें सत्य बताया तो क्या वे सह पाएंगे? सज्ज हो जाइए राम, आज राधा माँ बाबा को ऐसी बात बताने वाली है जो हमारे यहां से जाने के लिए अति आवश्यक होगी। तो कहो काना कब जाना है हमें? शीघ्र अति शीघ्र, अब अधिक समय शेष नहीं, राधा किसी भी क्षण यहां पहुंचती होगी। कान्हा बलराम देखो तो कौन आया है। चलिए विदूषकों को भी अभी यहाँ आना था। आप लोग अंदर आइए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम यहाँ कृष्ण के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आए हैं। वृंदावन में हमारे ये अंतिम क्षण है और ये लोग अब तक नहीं सुधरे। कुछ लोगों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती था, उनका व्यवहार उनका व्यक्तित्व सदैव अधोगति वाला ही होता। कल वो टीला भी मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आई, आज आप? सब ठीक है ना जी? जी हमारे यहाँ तो सब ठीक है काकी, किंतु अब शीघ्र ही आपके यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। कान्हा मैं इसके दांत तोड़ दूं क्या? मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। अवसर मिलेगा। जी जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं विस्तार में बताती हूं। ये कृष्ण और बलराम जी, आप कुछ कह रही थी कृष्ण और बलराम, कहीं आप कुटिला की भांति भूल तो नहीं गई कि आप क्या कहने जा रही थी? आपको स्मरण है ना? स्मरण है मुझे स्मरण है मैं क्या कहने आई। देखिए ना, प्रतियोगिता जीतने के बाद पुत्र कृष्ण कभी मेरे घर नहीं आए। है नायन? हाँ, इसे तो आना चाहिए हमारे पास, वो घर भी तो इसी का है। हाँ
कान्हा, तुम्हें जीजे के घर जाना चाहिए। हाँ आया करो ना, दोनों आया करो। देखो उन्हें कितना बुरा लग रहा है। आप निश्चिंत रहिए भैया, हम अवश्य जाएंगे, और मैं जाऊं ना जाऊं कान्हा तो अवश्य जाएगा, क्योंकि जटिला काकी का घर तो हमारे कान्हा को बड़ा प्रिय है। हाँ अब हम चलते हैं। हाँ चलते हैं काकी। ये सब हो क्या गया? हम क्या कहने गए थे और क्या कहकर चले आए? तुम उचित थे कान्हा, समय आ चुका है, राधा आ गई है। तुमने सत्य कहा था कृष्ण, यशोदा मैया और नंद बाबा को जो कहना है मुझे ही कहना होगा। तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य और कोई कर भी नहीं सकता राधा। राधा, कृष्ण, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अक्रोश जी, आप यहां कैसे? जी वो मथुरा में महाधनुर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मैं कृष्ण को उस यज्ञ के लिए निमंत्रित करने आया हूं। कृष्ण के लिए निमंत्रण मथुरा से? किसने भेजा है? महाराज कंस। महाराज कंस ने? किंतु मेरे लला को क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण अति शक्तिशाली है और वो इस निमंत्रण का अधिकारी है। नहीं, मेरा लला कहीं नहीं जाएगा। राधा, तुम्हें तो ये बात ज्ञात थी ना कि अखरोट जी मेरे लला को यहां से ले जाने के लिए आए हैं, है? तुमने ने वहीं से क्यों नहीं लौटा दिया? स्वयं उन्हें यहां पर लेकर आई क्यों? क्योंकि मैं समझ गई हूं मैया कि मुझे आपको और नंद बाबा को कृष्ण को यहां से जाने देना होगा। ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो तुम राधा, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रही हो? मैया, जब आप पूर्ण सत्य जान लेंगी ना तो आप भी समझ जाएंगी। ये पूर्ण सत्य क्या है राधा? बताओ राधा, क्या सत्य है? नंद बाबा, यशोदा मैया। कृष्ण के वास्तविक माता पिता कंस के कारावास में बंधी हैं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? कान्हा को सताने के इस खेल में तुमने आज अपनी सीमा पार कर ली राधा। इतनी कठोर बात कही, याद है तुमने क्या कहा है? तुमने एक माता पिता को कहा का पुत्र उसका नहीं है। हाँ हाँ बोलो राधा।